रे गिंडू, भूख के मारे पेट कड़के लाग लिया कि मैं रोटी राटी पोले। बाबू तू सारी जिंदगी मेरी रोटियां पोण पलाओगा के एक आधी तू भी पो दिया कर। अरे सुसरे कमीन, जब तू 14 साल का था ना, थम दोनों ने छोड़ कर तेरी माँ मर गई थी, मन्ना है थम रोटी पोपो पाले हो। धुम्मे के मारे मेरी तो आंख भी फूट गई, एक एक के चार चार दिखे से। बाबू तू दारू पीनी छोड़ दे, न तो आगे आगे ने तेरा 4 के 8 दिखेंगे। अरे रमेश तू भी इस गुंडू की भाषा बोलने लग गया, मैं के दारू रोज पीऊं सू, जिस दिन जुए में जीतू सू उससे दिन तक पीऊं हूं। बाबू तू जुआ भी खेल लिया करा, मना तो आज जान पार्टी। अरे नाना बाबू के जुआ रोज खेल लिया करे, जिस दिन चोरी कर कल आवे है ना उससे दिन खेल रहे है। अच्छा बाबू तू चोरी भी करा करे। अरे नलायको थम क्यों मेरी इज्जत के गंठे बोस हो, मड़े सहज बोल लो क्यों इस गांव में ढोल पीटो सो, थमने बेरा से थारी माँ मरे पाछे मने क्यूकर टाइम पास करया से। भाइयों मैं तो न्यू कहूं सू, किसे की माँ बेसक मर जइयो पर किसे की लुगाई नहीं मरनी चाहिए। बाबू जाई सी बात से तो तू मरा ब्याह क्यों नहीं करा देंदा। बाबू इसका तो कद छोटा से, जय इसका प्रथना होता हो तो मेरा करा दे, मैं बिल्कुल तैयार सू। अरे ओ तगाजगीर डट जा, इसका ब्याह तो तेरी माँ मरने से पहले बचपन में कर दिया था। बाबू मरा ब्याह करवा रखा है तो मेरी बू ने क्या तो नहीं लिया, जब हुआ दो बड़का की माँ बन लेगी जब लाओगा। अरे कल के अंधे तेरे बिना बालक क्यों करो हो जाएंगे। बाबू जब हम पैदा हुए जब तू के घर था, और तेरे बिना आम दोनू मेरी माँ ने क्यों कर पैदा कर दिए। रख कमीनो थमने के बेरा उस टाइम में घरा था कि नहीं था, उस टाइम ताई तो तुम पैदा भी ना हो लिए थे। बाबू हमने के बेरा मारती तुम्हारी माँ बताया करती। बाबू छोड़ा नहीं इन बातों ने, चूल्हे में फूक मार मार के मारे तो गाल भी सपेला कैसे हो लिए। जब भाई का ब्याह कर रखे है तो भाभी ने मंगानता क्यों ने। अरे न्यू क्यूकर मंगवा दू, इब ताई इसका मुकलावा भी ना हो लिया। मुकलावा मेरा क्यों हो वे, मुकलावा वे तेरा। बापू मन ने नहीं बेरा, मुकलावा तो तू अपना ही करवा लिए, मेरी तो बहू ने लिया। रो पीडे से पाछे आले, मैं अपना मुकलावा क्यूकर करवा लू, मेरी के उम्र रह रही से। मन ने तो तेरी ससुराल में भी कई चिट्ठी घेर ली पर इब तक कोई जवाब नहीं आया। बाबू जब चिट्ठी का जवाब ना आया तो फोन कर ले। अरे बेटे घनी पुरानी बात होली, उन दोरे फोन क्यों कर लू, मेरे दोरे तो उनका फोन नंबर भी कौन है। बाबू तू मने उस गांव का एड्रेस बता दे, अपनी बहू ने मैं आप पे ले आऊंगा। बेटे तू रान दे, कदे तेरे इस लंबे चौड़े कद ने देख कर बहू डर जा, आन तनाट जा। रमेश न्यू करिए तू तड़के जाकर अपनी भाभी ने ले आइए। ठीक सा बाबू मैं चला तो जाऊंगा, फिर मैं पहली बार ससुराल में जाऊंगा, मने न्यू तो ना बेरा उड़ जागी कहनी केस है। रे बेटे कुछ ना कहना, वे जो तेरे तबूज हैं उनका हाँ या ना में जवाब देता रहिए, और आखिर में न्यू कह दिए मैं अपनी भाभी ने लेना आया सू। ठीक सा बाबू मैं तड़का चले आ जाऊंगा। बेटा मुसी मैं सू मधु का देवर रोहतक ता आया सू। आजा बेटा ले तने पुचकार दियो, चल भीतर। हाँ बेटा तमने तो बहुत दिन में हमारी याद आई। मुसी हम रोटी बोत्यानी है ना, थमने रोज याद करया करते। अच्छा हाँ, अरे मेरा बाबू ना है ना थर तोरा घनी चिट्ठी गेरी, थमने कोई जवाब बना दिया। बेटा इस गांव में तो डाकिए कोन्या, जब डाकिए कोन्या तो चिट्ठी की ताव थी,
थारी चिट्ठी हमने कोने मिली। अच्छा तू छोड़ सब बाता ने, न्यू बता, चा पीवेगा ठंडा पीवेगा? मौसी हाँ, इतना चा बने इतना ठंडा मंगा ले। बड़ी गर्मी मान रहा हो तो एक बर्फ का डोंगा ले आकर तेरे लक में चढ़ा दूं। ना मौसी, उसने तो तू अपना खतर दे रहन दे, मैं तो ठंडे में साथ लूंगा। ए मधु, ए इस नंगड़ता ही चा बना दे और एक गिलास वो ठंडे का ले दे बेटी। मौसी नंगड़ क्या तक है, मेरी इज्जत करा के बेइज्जती। सुसाड़ में पहली बार आया हूँ, इज्जत करती होगी। ले माँ, किस्ते ही देना है? ए यो तेरा देवर आ रहा सै। यो हाँ, दे दे, जा कर ले काम। ए बेटा न्यू ना पिया करे, मुंह कला के पिया करे न्यू। बेटा हमने अपनी मधु का ब्याह तेरे भाई के लिए बचपन में करया था, इब तो वो जवान हो गया होगा, काम धंधा के मकरण लग गया कौन है करता। मौसी काम धंधे की मत ना बुझ जाए, वो नाटक करया करे। नाटक करे से कि मैं कमाई दमाई नहीं करता। तू न्यू बता, तू तेरा बाबू तक कमाते होगे? मौसी तो करड़े सवाल बुझन लग गई, इब तो बाबू वाला हाँ और ना वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। हाँ मौसी, हम तो कमावा। हाँ तुम तो कमाते होगे। हाँ तेरी माँ ठीक से? ना के बात, बीमार चल रही से? हाँ। फिर उसका कोई इलाज करवाया? ना, बिना इलाज के तो वह मर जाएगी। हाँ। फिर जब इलाज करवाओगे जब वह मर लेगी? मौसी जिंदी हो जब इलाज करावा, उन्हें तो मरे कई साल हो लिए। अरे तुमने तो अपनी मरी ओड़ माँ का बेरा भी ना दिया, हम मुँह कहने नहीं आ जावा है। मौसी हमने तो चिट्ठी गहरी थी, थम मना आए। हमने तो चिट्ठी में लिए कौन है, बिना बेरा हम क्यों करानते। मौसी हाँ, इसमें हमारा कसूर ना है, हमने तो चिट्ठी में लिख दिया था, अगर तुमने चिट्ठी मिल लो चाहे ना मिल लो, थम ना आना जरूर से। माँ तू मेरे देवर के लिए इतनी घुट घुट के क्या बतलान लाग रही है? ये कुछ ना बतलानती, इसके घर की ये बात बुझू थी, तेरा देवर से अर्तन लेना आया से। ए माँ, यो बुंदी शक्ल का ओड लोग होकर गुट्ठा चुस्से है, तई का सारा कोनो बात बेरा ना के करता होगा। गुट्ठा तो मैं बार त्योहार ना चुस्या करूं, न्यू मारे खानदान की बेइज्जती मत ना करे। ये बेटी न्यू ना बोलिया करते, तेरी ससुराड़ तस है, शुभ शुभ बात करे। भाभी मेरा भाई ने है ना कल बेरा पट्टा है, अगर उसका ब्याह हो रहा है, वो तो काल का बहु बहु करण लाग रहा है, तू तक जेता तैयार हो ले। माँ वो चाहे बहु बहु करता हो और चाहे करता हो मामा, मैं इसकी गेल कती नहीं जाऊं। बेटा माँ तो थर रही नहीं और बाण थर सह नहीं, बिना ठोस आदमी के बात करे बिना मैं क्यों कर अपनी बेटी ने भेज दू। तू न्यू करिए, तड़का अपने बाबू ने खंदा दिए, फिर बतला लेंगे। मौसी मने एकला ने देख के ना मेरा भाई तो गस खा जाएगा, ठीक से मैं जासू। ले बेटा ये मान के रुपये। माँ हाँ, तने कदे मेरे ते ना बताई अब तने मेरा ब्याह कर रखा से। ये बेटी जब तू छोटी सी थी ना, जब तेरा बाबू घना बीमार रहा करता और तेरा बचपन में ब्याह कर दिया था। माँ तने अपना जमाई देखा से, अग देखण में किसाक से? बेटी मने तो थारे ब्याह में देखा था, जब तो देखण में ठीक लागा था। माँ मने तो मेरे देवर की बात तई सा लागा है, कदे वो सारा कुण बाबा वाला हो। ए बेटी इतनी माड़ी बात ना करे, तेरी किस्मत बहुत बढ़िया से, ठीक से। अरे तू न्यू कर, तू घर का काम कर ले और मैं थोड़ी देर आराम कर लू। ठीक से माँ। बाबू भाई मेरी बहू न ले कान रहा है, तू तावड़ा सा मने 3,000 रुपये दे दे, बहू की श्या मी मांग दी आना शर्म आओगी। आ रे तू 3,000 रुपया का के करेगा, और कै दिन हो गए तने मेरी ती कमा के कोई आना दिया है? बाबू जितने नाटका में रुपये कमा के लाऊ हूँ सारे तेरे ते दू हूँ, इब 3,000 रुपये मांग लिए
तो सांप की तरिया की नली मार के बैठा है। अरे तू के बूटी फूक के बैठ गया, मरी बहू ले लाया कनी। अरे कुछ तो बोल, चुप क्या था बैठ गया? ईसा के तने सांप सूंघ गया कि मैं तो मरे जिंदगी खबर ले आया होगा। बाबू उन्ने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे इसी के बेइज्जती कर दी कि मैं बताता हूँ सही, ईसा बुंडा मुँह क्यों कर रहा है, जो गू खा रहा हो। मैं उड़े 100 रुपया के केड़े लेके गया था, चलता नहीं मेरी मौसी ने 50 रुपये दिए। अरे तू उड़े केड़े बेचन गया था, एक अपनी भाभी ने लेने गया था। मारा क्यों से? वो मौसी मेरी भाभी ने मेरी गेल बेचन तो नाटकी। क्या तर है? न्यू बोली थारे घर में को बड़ा शाना उन्हें उन्हें भेजियो, उस गेल भेजूंगी। या बात तो तू बिना पिटे भी बता सकता, उड़े जाके तो तू व्यापारी बन गया। ठीक से तड़का मैं जाऊंगा बोड़िया ने लेन, और देखू ढोलक से पेट वाली त्रिमोसी ने भी। राम राम। राम राम जी, राम राम। और घर परिवार सब ठीक चौधरी साहब? हाँ चौधरन घर परिवार तो सब ठीक से, बस तेरी समधाने मने बीच मजदार में छोड़ के चली गई। चौधरी साहब हमने तो इस बात का काल बेरा पट्टिया से, हम के कर सका सा, सब भगवान की मर्जी, सब के में इसके अधीन है। हाँ चौधरन वह बात तो ठीक से, पर तू भी समझी के मरे पाछे बुढ़ापे में ने खर्ती आवस है। चौधरी तू भी तो समझण मरे पाछे जवान होता आवस है। अच्छा मन न्यू बता, अलवा खागा खीर खागा? क्यों चौधरन थारे एक कटोरी से के दोनों बना ले, और मड़ा अलवे में घी गच कर दिए, मैं मड़ा हा घी का लाड़ा हूँ। अच्छा हाँ मन न तैसा लागा तू सब क्या का लाड़ा से, दोनों बाबू बेटिया के एक सी नीत से बेरा ना वो बटेऊ किसा पावेगा। चौधरन के सोचन लागी? मैं तन्यू सोचू थी ईब तो तू रोटी पानी खा के आराम कर ले, और 2-4 दिन में बटेऊ ने भेज दिए, मैं इतना मधु के 2-4 सूट शमा दूंगी। क्यों चौधरन मेरे गल को नहीं भेजे? चौधरी तू तो शाना मानस है, तन तो बेराए से अक सुसरे गेला चलती आना बहु बेटी सरमाया करे, तजा ते बटे उन्हें भेज दिए। शाने ने के मैं बुझा पाड़ू सू, पर ठीक से तू कवे से तो 2-4 दिन में अपने छोरे ने भेज दूंगा। ईब तू गत सालवा और गाड़ी सी खीर बना ले, और एक काम और करिए, खीर में चोखे है काजू बादाम गेर दिए। चौधरी समझण तो मर रही से, और यह खान पीन की सारी कसर आड़े काट के जागा के। चौधरन तू भी कसूती मजाक कर ले है। बाबू आगे के कड़ा जा, बाबू तू तो सोन लाग रहा है और मैं चपका बैठा। अरे कदे बाबू रामा दारू पी के लौट गया हो? ओ भी सके है बे, देखो आ गया। बाबू मरीबू लली लाया, तू भी बैरंग आ जा। अरे सुसरे कमीन रोवे क्या तैसे, पहले मेरी बात तो सुन ले। बापू तेरी के सुन लू, जिसकी बात दे खुदा उसने तो तू लाया नहीं, तू मरते नू बता दे तने मरा ब्याह कर रखा है अकनी, झूठ ते नहीं बोलता। अरे चुप हो जा, 2 दिन पछतरी सासू ने तू बुलाया से, अपनी ससुराड़ के ठाट भी देखाइए और अपनी बहू ने भी ले आइए। बाबू यह बात तू पहले नहीं बता सके था? अरे बता दीप के माखी छीक गी, जाओ ले तैयार। ठीक से ते मैं तैयार हो लू फेरे। अरे तू ये गुट्ठा चूसना नहीं छोड़ा है।
माए। हाँ देखे जो नाटका में काम करा करे मारे वो आ गया। ये तावली जा भीतर, वो है तो 17 बटेऊ ले। हाय राम। राम राम सासू माँ। राम राम बेटा, राम राम। आ जा ले पुचकार दियूं, बैठ जा। और सुना राम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना जी कोई दिक्कत ना हुई। ठीक से बेटा, इतना तू आराम कर ले, मैं तेरे खातर बादाम वाला दूध ले आऊं सू। माए। हाँ। तने पहले क्यों ना बताई? अक मेरा बटेऊ यो से, यो ते नाटका में काम करे से, और इसकी गिल्ला ते मैं राजी राजी चली जाऊंगी। तो तू न्यू करे, इस साइड देसी ने अपनी तैयारी कर ले और अपना सामान बांध ले। ठीक से माँ। आजा आजा, गड़े पाखंड बंदा बना है।